नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में मैं मोहिनी सूद आप सभी का स्वागत करती हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता हासिल करता है। मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दिव्य हिमाचल टीवी आप सभी के लिए लेकर आया है नया शो, जिसका नाम है डॉक्टर से मिलिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित डवाश, जो आप सभी को स्वास्थ्य की जानकारी देंगे, साथ ही आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। डॉक्टर अमित डवाश, आपका स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी पर। मैं दिव्य हिमाचल टीवी का और मोहिनी सूद का और इनकी पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम को जो शुरू किया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमित डवाश हेल्थ अवेयरनेस स्पीकर, होम्योपैथिक फिजिशियन, साथ ही आयुष्मान भव फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इसी के साथ इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी। डॉक्टर अमित डवास, सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि इम्यूनिटी क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान इम्यूनिटी इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो कोई योगाचार्य हो, चाहे वो किसी भी पैथी के डॉक्टर्स हों, क्योंकि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अमूमन होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे थायराइड है, ठीक है, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, या हम कह सकते हैं आम भाषा में अगर इसको हम समझें तो कि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा काम करती है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वो उसका काम क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी वो ऊर्जा उस चीज़ को मारने का काम करती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न ना हो उसको। इसीलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन पैथोजेंस को मारने का काम करता है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर हम कह सकते हैं फंगस को। तो दरअसल जो भी जीवित इंसान है उसके शरीर के अंदर इम्यूनिटी कुदरती तौर से होती है, और ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है, जिसमें एक तो इनेट इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ आपको मिलती है, और एक होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना को लेकर हम देखते हैं कि अलग अलग पैथी हैं, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, ये तरह तरह की पैथी बता रही हैं आपको कि आपने अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। उसके लिए आयुर्वेद में कुछ काढ़े भी बताए गए हैं, होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम भी बताई गई है। तो उस इम्यूनिटी को कोविड के अगेंस्ट बढ़ाना है, यानी कि कोरोना का वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपका जो सुरक्षा तंत्र है शरीर का वो मजबूत हो जाता है, और अगर वो कमज़ोर है तो वो बीमारी आप पर हावी हो जाती है। यानी कि वायरस कोशिका के अंदर पहुंचता है और कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद वो कोशिका को अपने कंट्रोल में लेता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरस जो है वो बनाना शुरू कर देता है, और इससे हम देखते हैं कि जो इंसान है वो धीरे धीरे बीमार पड़ता चला जाता है और आगे भी वो बीमारी को फैलाने का काम करता है। तो वायरस आगे ना बढ़े इसके लिए हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो मजबूत अगर होगी तो वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद या तो वो प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, और अगर करता है तो वो अपने जैसे और पैदा नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाकर अपनी, लेकिन आप अपने वातावरण को भी बचा सकते हैं। आजकल के युग में सभी बिजी रहते हैं, दिनचर्या सभी की व्यस्त रहती है, तो क्या कारण है जिनकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है? देखिए, इम्यूनिटी कम होने के कई कारण हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी का मेन फैक्टर है हमारा गलत खान पान है, क्योंकि हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं, खाने में हम क्या ले रहे हैं, हम पेस्टिसाइड भरा खाना ले रहे हैं और ऐसे फल सब्जियाँ ले रहे हैं जिसका मौसम के साथ में कोई संबंध है नहीं, यानी कि अप्राकृतिक भोजन है। और हमारा शरीर प्रकृति के साथ काम करता है, यानी कि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको ऐसा भोजन करना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो और आपके एटमॉस्फेयर के अनुकूल हो। और जब हम देखते हैं कि आप सर्दी आती है तो हमारा जो मन है वो अलग चीज़ों को खाने का करता है, जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, यानी कि हैवी चीज़ें खाने का मन करता है, फैटी चीज़ें खाने का मन करता है। तो हमारे पेट के एंजाइम्स भी मौसम के अनुसार चेंज होते हैं, और अगर आप गर्मियों का खाना सर्दियों में खा रहे हैं और सर्दियों का खाना आप गर्मियों में खा रहे हैं तो उसका भी आपकी इम्यूनिटी पर काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि खा तो आप रहे हैं लेकिन वो पचने वाला नहीं है। मौसम के अनुसार जो भी फल सब्जियां वेजिटेबल्स जो मौजूद हैं आपने वही खानी है। दूसरी चीज़, हम रह तो भारत में रहे हैं लेकिन भोजन हम कर रहे हैं बाहरी देशों का,
जैसे अगर हम बात करें चीन की, तो चीन का हम लोग खाना खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड हम लोग ले रहे हैं, फास्ट फूड हम ले रहे हैं, डिब्बा बंद फूड मटेरियल हम ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए पहली बात, और अगर वो शुद्ध नहीं है और आपके शरीर के अनुकूल नहीं है तो आपको पचने वाला नहीं है, वो आपको रोग ग्रसित करेगा। क्योंकि मेन बेसिक जो मुद्दा है, जो मटेरियल है आपकी बॉडी के लिए, वो ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक हो और शुद्ध होना चाहिए, ताकि आपका शरीर उसको ग्रहण कर सके। और आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं आपके, और आपकी थायराइड है, आपकी थायमस है, इन सब ग्रंथियों को सुचारू रूप से न्यूट्रिशन मिलता रहे, ताकि आपका जो आंतरिक शरीर है वो अच्छा काम करता रहे। तो उससे हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी रहती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल कोरोना की बीमारी फैली है, लोग काफ़ी परेशान हैं, मन में अलग तरह की धारणाएं भी बना चुके हैं, तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को क्लियर करें कि एसिम्प्टोमैटिक कोरोना क्या है। ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना, या हम कोरोना की बात करें तो कोरोना एक सामान्य एक वायरल फ्लू है, जिसमें सबसे पहले आपके गले में दर्द होता है, छींकें आपको आती हैं, बुखार आता है और सांस लेने में आपको तकलीफ होती है। लेकिन ये जो लक्षण है ये ज़्यादातर लोगों में पाए जा रहे हैं, और यही लक्षण WHO ने रिकमेंड किए हैं कोरोना के पहचान के लिए। अगर इस तरह का आपको संक्रमण है या इस तरह के लक्षण आपको हैं तो आपको कोरोना का टेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक नया शब्द और आया है, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना का मतलब ये होता ये है कि कोरोना का वायरस तो आपके शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन इस प्रकार का कोई लक्षण आपके अंदर नहीं है। मतलब क्या कि अगर ये लक्षण नहीं भी हैं आपके शरीर के अंदर तो भी आपको कोरोना हो सकता है। और वो लक्षण क्यों नहीं है, उसके कुछ कारण हैं। अगर मान लो आपका शरीर का जो सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है आपकी, अगर वो बहुत अच्छी है रोगों से लड़ने के लिए, जो आवश्यक इसकी जो पावर है अगर वो बहुत अच्छी है, तो जरूरी नहीं है कि कोरोना के लक्षण आपके शरीर के अंदर आए। वायरस कहीं भी मौजूद हो सकता है, किसी के शरीर में भी मौजूद हो सकता है। वायरस का मौजूद होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात यह है कि आपके अंदर वो कितनी सक्रियता के साथ मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर ठीक साहब, है, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाने चाहिए दर्शकों को? दर्शकों को सेफ्टी मेजर्स यही अपनाने चाहिए कि पब्लिक प्लेस में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, और अननेसेसरी किसी भी चीज़ को छूने से बचें, क्योंकि हो सकता है किसी संक्रमित व्यक्ति ने वहाँ पर हाथ लगाया हो तो उसकी वजह से आप इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। जो सब्जी आप खरीद रहे हैं उन सब्जियों को 24 घंटे के लिए आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर भी आप उनको रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको बता ही रही है। तीसरा, आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप बाहर से अपने घर पहुंचते हैं तो आप अपने हाथों को सबसे पहले गर्म पानी के साथ वॉश करें, 20 सेकंड तक आपने साबुन लगा कर उनको अच्छे से रब करना है, ताकि जो वायरस है उसकी आउटर लेयर टूट जाए और आप इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरा ये कि आपको डिटॉल बाथ लेना है, डिटॉल डालकर आपने नहाना है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, क्या वैक्सीनेशन ही इलाज है कोरोना वायरस की जंग को जीतने का? देखिए मोहिनी जी, जहाँ तक मेरा मानना है, या हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, और भारत के भी जो वैज्ञानिक लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं, और ये सही भी है कि वैक्सीनेशन ही इसका इलाज, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के द्वारा ही हम इससे बच सकते हैं तो ये गलत होगा। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे लोग गए हैं जो कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक होकर आ गए हैं, जबकि उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली अभी तक। तो मतलब क्या है कि वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन से आप एक बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत बड़ी पब्लिक को आप इम्यूनाइज कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन वैक्सीन के साथ बाद, जब वैक्सीन आपको लगती है तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेती है, और वैक्सीन के बाद आपके शरीर के अंदर एक आर्टिफिशियल डिजीज जनरेट होती है, आपकी इम्यूनिटी उसको जज करती है और एंटीबॉडीज बना लेती है उसके खिलाफ। और जब आपको नेचुरल वायरस का अटैक होता है तो ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडी आपके शरीर में बनी हुई थी, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपका शरीर विकसित कर चुका था। तो अगर आपको नेचुरल कोरोना अटैक होता है तो भी आप उससे ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी उसको पहचान चुका है। तो इम्यूनिटी का काम केवल, वैक्सीनेशन का काम केवल इम्यूनिटी क्रिएट करना है, लेकिन इम्यूनिटी तो आपके शरीर में वैसे भी है, तो
आप अच्छा खान पान अपना कर भी अपने आप को इम्यूनाइज रख सकते हैं, जो हम देख रहे हैं कि हो भी रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिकवर हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या योग के माध्यम से भी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, योग के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। हमारे पूर्वज पहले यही काम करते थे, सुबह उठकर वो लोग योग प्राणायाम करते थे और उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या जो उनकी होती थी वो काम करते थे। लेकिन योग के साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आप योग कर रहे हैं और फास्ट फूड आप ले रहे हैं, डिब्बा फूड बंद मटेरियल आप खा रहे हैं, तो ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि योग के माध्यम से आप प्राणवायु लेते हैं और आपका जो शरीर चलता है वो भोजन, ऑक्सीजन और पानी से चलता है। तो आपका पानी अच्छा होना चाहिए और आप जो खाना खा रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ध्यान ये रखें कि शुद्ध ही चीज़ें आपने खानी है और प्राकृतिक चीज़ें खानी है, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, बहुत से लोग देखा गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत तरह की मेडिसिन्स का भी सेवन कर रहे हैं, क्या वो सही है? जी हाँ, देखिए आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में जैसे अदरक है, तुलसी है, गिलोय है ना, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो काढ़े के रूप में लोग ले रहे हैं, तो वो साइंटिफिकली वो चीज़ें सिद्ध हुई हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी भी वनस्पति हम देखते हैं इनके अंदर एक अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एक केमिकल तो वो होता है जो लैब के अंदर तैयार होता है, और जो हमारे पौधे पेड़ पौधे हैं इनके अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्याज के अंदर सल्फर है और गिलोय के अंदर भी कई ऐसे तत्व हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब आपकी जो आंतरिक अंग हैं उनको ऊर्जा मिले, उनको भोजन मिले और वो प्रॉपर सही काम करें, तो नेचुरल सी बात है कि आप प्राकृतिक चीज़ों को अपनाकर भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, औषधीय चीज़ों को जो है आप सभी अपना सकते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जैसे डॉक्टर अमित डवाश ने आपको कुछ रेमेडीज बता दी हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी ने नोट ज़रूर कर ली होंगी। जैसे कि दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना, डॉक्टर अमित डवाश ने आप सभी को सलाह दे दी है कि हरी सब्जियां खानी बेहद ज़रूरी है और अनुकूल खाना भी बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। इसी के साथ डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से लोग मांसाहार प्रेफर कर रहे हैं, शाकाहार प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या खाना चाहिए उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? देखिए ये साइंटिफिकली हो चुका है कि जो मांसाहार है वो अम्लीयता क्रिएट करता है आपके शरीर के अंदर, इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप मांसाहार से दूर रहें। पहली बात तो वो जीव हत्या है, ठीक है, किसी जीव को मारकर आप खा रहे हैं तो गलत है। दूसरी चीज़ ये कि जो मांसाहार है वो अम्लीय होता है, यानी कि जब आप उसको खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एसिडिक टेंडेंसी बढ़ती है, और एसिडिक टेंडेंसी जब आपके शरीर के अंदर बढ़ती है तो कई प्रकार के रोग आपको लगते हैं। तो ध्यान ये रखें, आप शाकाहार भोजन लें। शाकाहार भोजन के पीछे एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपके शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए 22 प्रकार के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है, और कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब होगा क्या कि अगर आप शाकाहार भोजन कर रहे हैं तो सुबह आप फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं, दोपहर को आप फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं, रात को आप फ्रेश वेजिटेबल ले रहे हैं और बदल बदल कर ले रहे हैं, तो आपके जो आंतरिक अंग हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है काम करने के लिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है। और अगर आप मांसाहार ही करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि आप मांस से केवल एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही ले पा रहे हैं, जो आपके शरीर को चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल पाता। दूसरा ये कि अगर आप मांसाहार करते हैं तो आपका GIT ट्रैक्ट जो है, जिसको हम कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब क्या कि आपकी जो आहार सिस्टम है आपका, आम भाषा में समझे तो आहार जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो प्रॉपरली जो आपका खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और लंबे समय तक जब वो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है तो वो कई बीमारियों को जन्म भी देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम आम भाषा में कोष्ठबद्धता कहते हैं, वो लगभग 90 प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। तो इसीलिए आपको ऐसा भोजन करना है जो आपके शरीर के पेट में आपके पहुंचने पर ईजी टू डाइजेस्ट हो, बहुत ही आसानी के साथ वो पचने वाला होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और उससे आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, दर्शकों, आप सभी को ऐसा खाना ग्रहण करना चाहिए जो आप इजीली खा भी सकें और पचा भी सकें। इसी के साथ डॉक्टर डवाश, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्या खाली पेट रहने से भी इम्यूनिटी सिस्टम पे फर्क पड़ता है? हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने व्रत के बारे में आप लोगों को बताया है, तो व्रत जो आते हैं उनका भी एक साइंटिफिक, हम कह सकते हैं एक विज्ञान है उसके पीछे, और वो विज्ञान ये है कि जब कुछ जो कुछ भी आप ज़्यादा अपने खाते हैं
तो आपके शरीर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब मौसम बदलने पर आपके पेट के एंजाइम चेंज होते हैं। जब मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दी आती है, सर्दियों से गर्मी आती है, तो मौसम बदलने पर आपके पेट के एंजाइम चेंज होते हैं। मौसम के अनुसार, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ खान पान आपको क्यों करना है, वो वही वही कॉन्सेप्ट है कि आपके जो एंजाइम्स हैं, जो पाचक रस हैं आपके पेट के, वो बदल चुके हैं। तो उस दौरान आपको फास्ट इसलिए रखना है ताकि आपके पेट के एंजाइम सुचारू रूप से सेट हो सके, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है, उस दौरान नवरात्रों के व्रत आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सर्दियां खत्म होती है जब गर्मियां शुरू होती हैं तो नवरात्रों के व्रत आते हैं, और जब गर्मियां खत्म होती हैं, सर्दियां शुरू होती हैं, तो नवरात्रों के व्रत आते हैं। तो व्रत रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन कब व्रत रखना है इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने अगले शो में देंगे। बिल्कुल डॉक्टर अमित, साथ ही मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोगों को सलाह जरूर दें कि जब वो सुबह उठें तो वो कैसे अपना दिन स्टार्ट करें, क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सलाह जरूर आप दें दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले मेरा आप सभी दर्शकों से ये कहना है कि अगर आप रात को लेट सोते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको 10 बजे तक सो जाना है। रात्रि का जो भोजन है वो बहुत जल्दी आपने करना है, यानी कि सूर्यास्त के साथ ही, हो सके तो उससे पहले आपने करना है, और जल्दी ही आपने सोना है। क्योंकि जितना जल्दी आप सोते हैं तो उतना आपकी बॉडी अच्छा काम करती है। अगर आप लंबे समय तक जागते हैं और नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती, तो सुबह आप देखते हैं कि आपका जो शरीर है वो थकान हुआ महसूस करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर नींद के माध्यम से अपने आप को रिचार्ज करता है। आपकी प्रत्येक कोशिका चार्ज होती है, और जब प्रत्येक कोशिका आपकी चार्ज होती है तो सुबह उठकर आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। और आप शायद नहीं जानते हैं कि नींद के अंदर, जब आप नींद सो रहे होते हैं, तब आपके शरीर के अंदर जो भी दिन भर टूट फूट हुई है उसकी रिपेयर भी आपका शरीर कर रहा होता है। तो नींद आना बेहद ज़रूरी है, और पूरी नींद लेना बेहद ज़रूरी है। सुबह हो सके तो 6 बजे या 5 बजे आप उठ जाएं, और उठने के बाद योग प्राणायाम आप ज़रूर करें, और 2 गिलास हो सके तो गुनगुना पानी सिप सिप करके आपने पीना है, और बैठ कर पीना है। इससे क्या होगा, पूरा जो बोवेल सिस्टम है आपका, जो आंत्रणियाँ हैं आपकी, वो पूरी तरह से साफ़ होंगी, जिससे आपके शरीर के अंदर जो अतिरिक्त गंदगी जमा है वो बाहर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपने करना क्या है कि प्राणायाम योग तो करना ही करना है, लेकिन आपने हो सके तो हथेलियाँ जरूर बजानी इस तरह से, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर होते हैं। और आपने देखा ही होगा मोहिनी जी के मंदिरों में जो आरती होती है उस समय भी हम हथेलियाँ बजाते हैं। दरअसल वो हथेलियाँ इसीलिए बजाई जाती हैं ताकि एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है, हमारे इंटरनल आंतरिक जो अंग हैं हमारे, उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे हाथों में, तो वो प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं इंटरनल जो सिस्टम है हमारा, आंतरिक जो अंग है हमारे, वो जागृत होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी लोग लाफ्टर थेरेपी भी अपनाते हैं मॉर्निंग के समय। जी हाँ, बिल्कुल, अलग अलग पैथी अवेलेबल हैं, और सारी की सारी पैथी किसी ना किसी विज्ञान पर आधारित हैं। बिल्कुल, बहुत ही सरल शब्दों में आपको डॉक्टर अमित डवाश ने समझा दिया है कि कैसे आपको अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है जो भी सलाह दिव्य हिमाचल टीवी शो डॉक्टर से मिलिए, मैं आज आपको डॉक्टर अमित डवाश द्वारा दी गई हैं, आप ज़रूर उस पर गौर फरमाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगला शो हमारा सोमवार को प्रसारित किया जाएगा, थायराइड उसका विषय रहेगा। इसी के साथ ये भी आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, यदि इम्यूनिटी और थायराइड से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरीज है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि डॉक्टर अमित आपके सवालों के जवाब दे सकें। डॉक्टर अमित, दिव्य हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।